हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमलदीप सिंह। वेलकम अगेन टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में आप देख रहे हैं, हम जा रहे हैं कहीं पे। और फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं का वर्कशॉप में। एक्चुअली जो मेरे वाइपर्स हैं, वो वाइपर्स थोड़ी सी एक परफेक्टली साफ नहीं कर पा रहे हैं विंडशील्ड को। वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। आगे से थोड़ा सा जो वाइपर है वो टूट भी चुका है, उसकी जो रबर्स है वो निकल गई है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, जिसे आपको दिख रहा होगा, जो इसकी रबर है वो निकल गई है थोड़ी सी। सो इसी के रिगार्डिंग मैं इसको लेके जा रहा था गैराज में, जहाँ से मेरे को एक अच्छे वाइपर मिल जाए। सो लेट्स सी, अगर खुला होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट वाइपर्स कौन से रहेंगे, जो इसके साथ कंपनी फिटेड वाइपर्स आते हैं। कंपनी के वो अच्छे हैं, आई विल नॉट से कि दे आर बैड, बट जो बॉश के वाइपर्स रेंज आती है वो बहुत ही अच्छी है। और मैं अभी देखता हूँ, मैं वही डलवाऊंगा अपनी गाड़ी के अंदर अगर मेरे को मार्केट दिखती है खुली हुई, जो कि मेरे को लग रहा है कि अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलीज मिला है, सो मार्केट खुले होंगे। तो सर्विस सेंटर्स खुला हुआ तो मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा जो मैं वाइपर्स चेंज कराने वाला हूं, और उसका एक रिव्यू भी दूंगा, शॉर्ट रिव्यू कि कैसा है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। सो यहाँ से जो इसकी रबर टूटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से क्लीन ये नहीं करता है। और ये टूटने से पहले भी मैंने जब इसको हाई रेंज में चलाया है, सो ये इतनी ज़्यादा अच्छे से साफ नहीं करता है। वो आपको भी पता होगा, जो कंपनी फिटेड रॉ वाइपर्स आते हैं दे आर नॉट सो गुड, बट या ठीक है, दे आर नॉट सो बैड। सो देखते हैं कि आज हमारा काम ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि हम बात कर रहे थे मार्केट, आज यहाँ पे पूरी एक कार्स की वर्कशॉप है। आजू बाजू में आपको सभी रिपेयरिंग की शॉप्स ही दिखाई देंगी। करंटली मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आप सेक्टर 48 विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे शॉप्स दिखाई देंगी। तो दिस आर द मिंडा वाइपर, यहाँ पे ये वाइपर्स लगा रहे हैं भाई साहब। वैसे इसकी कुछ वारंटी वगैरह भी आती है क्या? कुछ नहीं, निकल जाएगा खत्म हो जाता है ना। तो वैसे मतलब कितना कुछ तो हो गई लाइफ, कब तक चलते हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स कंपनी फिटेड वाइपर्स, जो कि मैं बोल रहा था कि जो टूट चुकी है जिसकी रबर, और इसको हमने रिप्लेस कर दिया अपने न्यू वाइपर्स के साथ, जो कि ये हैं मिंडा के। निकले तो थे बॉश के वाइपर्स लगाने, बट मेरे को मिंडा के ये जो वाइपर्स हैं ये अच्छे लगे, और जो शॉपकीपर था वो भी इसका रिव्यू अच्छा दे रहा था, सो आई थॉट कि यही लगाए जाएँ। ये एकदम फ्रेमलेस हैं, सो ये एडजस्ट हो जाते हैं। जो विंडशील्ड है गाड़ी की, आगे का कांच है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं। सो ये तो हो गई बाहर से बात। सो आप अंदर लेके चलता हूँ गाड़ी में, और इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करते हैं। अच्छा लग रहा है मेरे को जो वाइप कर रहे हैं, ये अच्छे से कर रहे हैं मेरे को लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में भी।
सो अपने वाइपर्स की लाइफ आपको बढ़ाने के लिए जो एक सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए, वो ये है कि कभी भी अपने वाइपर्स को आप खाली मत चलाएं। ऑलवेज यूज इट, जो वाइपर स्प्रे नीचे पानी होता है उसके साथ आप यूज करें, अदरवाइज जो इनकी लाइफ है वो कम होती रहती है अगर आप इसको खाली चलाएंगे तो। सो दिस इज व्हाट्स माय रिकमेंडेशन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आगे भी मैं आपको इसके जो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा वाइपर्स का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जरूर से। सो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज के साथ आप शेयर कर सकते हैं अगर आप भी अपनी गाड़ी के अंदर वाइपर्स चेंज करने की सोच रहे हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बॉश के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको रिव्यूज अच्छे देखे हैं, और मेरी जो दूसरी गाड़ियां हैं फ्रेंड्स की या मेरी फैमिली में भी उसके अंदर मैंने बॉश के वाइपर्स डलवाए थे, आज मेरे को मिले नहीं, बट मिंडा इज़ ऑल्सो गुड कंपनी, तो मैंने आज मिंडा के वाइपर्स डलवाए हैं एंड आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड टिल नाउ। आगे अगर कुछ और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा तो मैं ज़रूर से बताऊँगा आपको, अदरवाइज दिस आर अ गुड। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, एंड इफ यू आर ड्राइविंग टू व्हीलर वेयर अ हेलमेट।